जैसे कि शिबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम बैगर्स हैं, तो हम परफॉर्म भी उसी तरह ही कर रहे हैं। जब पुराने हम भी इसी तरह परफॉर्म करें कि हमें जब मदद मांगनी हो तो हम फौरन उनके पास पहुंच जाते हैं, और अब जब उनको जरूरत है तो हमारे अंदर से कोई डाउन है, ब्लैकलिस्ट होने वाला मुल्क, तो तुर्की के कैसे हेल्प करेगा? अल्लाह ना करे, अभी जिस तरह की प्रेडिक्शन हुई है कि पाकिस्तान में भी जल्द आ सकता है, अल्लाह ना करे, अगर ऐसा कुछ हो गया तो ये मुल्क ब्लैकलिस्ट, क्या ये मुल्क दोबारा स्टेबल ही नहीं हो पाएगा? जैसे मुल्क बन के अगर स्टार्ट हुआ था, ये वापस ही जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है, उनका इतना नुकसान हुआ, अगर वो रिपेयरिंग पे भी आए तो उनको कई महीने लग सकते हैं, तो पाकिस्तान का खुद का बड़ा करके वो क्या किसी की हेल्प करेंगे? तो आज मैं लेकर आई हूँ पाकिस्तान से बहुत मजेदार वीडियो, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो के मजे लेते हैं। अभी टर्की के अंदर जो अटकट आया और वो जिस सिनेरियो से गुजरे हैं, आपको पता ही है बहुत ही बुरे हालात थे, लेकिन ऐसे हालात में हमेशा हम लोग तुर्की तुर्की करते रहते हैं, मुस्लिम कंट्रीज को बढ़ चढ़ के मदद करनी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान से 52 लोग सिर्फ मदद को गए हैं, और इसके अलावा फाइनेंशियल भी कोई बड़ी मदद नहीं हुई। हिंदुस्तानियों ने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए आर्मी तक उनकी मदद को पहुंची, 201 बंदा हिंदुस्तान से गया, 725 अजरबैजान से, इसराइल जो हर वक्त उनका दुश्मन बना रहता है, 450 बंदा इसराइल ने भेजा। पाकिस्तान जो फिफ्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है, सॉरी, उन्होंने सिर्फ 52 बंदे भेजे हैं। मुझे बताएं कहां स्टैंड करता देख रहे हैं पाकिस्तान को? जैसे कि शिबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम बैगर्स हैं, तो हम परफॉर्म भी उसी तरह ही कर रहे हैं। जैसे हमारे हुक्मरान हैं, हम भी इसी तरह परफॉर्म करें कि हमें जब मदद मांगनी हो तो हम फौरन उनके पास पहुंच जाते हैं, और अब जब उनको जरूरत है तो हमारे अंदर से कोई भी। बैगर्स की तो ये कहानी है कि मुसलमान बहन भाई मुसीबत में है, हम तब भी कटोरा लेके जो है कभी कहीं कभी कहीं दर दर रुलते फिर रहे हैं, तब भी हम इतनी जहमत गवारा नहीं कर रहे कि तुर्की ने हर मोड़ पे हमारा साथ दिया है, आज हर मुल्क साथ खड़ा है, तो हम भी थोड़ा सा लिहाज कर लें। खैर, मेरा मेन मुद्दा ये था कि मुस्लिम कंट्रीज में से कोई भी उठ खड़ा नहीं हुआ उस तरह से मदद करने का जिस तरह हिंदुस्तान इस वक्त उनकी कर रहा है, तो कहाँ स्टैंड करता देखना मुस्लिम कंट्रीज को, फिर हम बड़ा इतराते हैं अपने मुस्लिम होने पर। ये कह लें बस ईमान हमारे में नाम कराया गया, अवाम के साथ साथ स्पेशली गवर्नमेंट लेवल पे जो अफसर आना है उनमें उसका असर हमें नजर आ रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से ये बस। इसमें मैं यही कह सकता हूँ कि अल्लाह वारिस है आप तो इस कंट्री का भी और हमारे अपना खुद का भी। पहली फुर्सत में निकल तो तुर्की के जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है, इस टाइम वो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में, हमें पाकिस्तान को चाहिए उसकी हेल्प करे, बट पाकिस्तान उसकी हेल्प क्यों नहीं कर रहा? यार पाकिस्तान किसी की हेल्प करने के लायक है? आप मुझे यार सिंपल सी बात बताएं, पाकिस्तान की खुद मईशत इतनी डाउन है, ब्लैकलिस्ट होने वाला मुल्क, तो तुर्की के कैसे हेल्प करेगा? अल्लाह ना करे, अभी जिस तरह की प्रेडिक्शन हुई है कि पाकिस्तान में भी जल्द आ सकता है, अल्लाह ना करे, अगर ऐसा कुछ हो गया तो ये मुल्क ब्लैकलिस्ट, क्या ये मुल्क दोबारा स्टेबल ही नहीं हो पाएगा? जैसे मुल्क बन के अगर स्टार्ट हुआ था, ये वापस ही जीरो से स्टार्ट होगा। पाकिस्तान का खुद का बेड़ा करके वो अपनी हेल्प नहीं कर सकते, आप अपनी हेल्प कर सकते हैं, आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो फिर हम इंसानियत के नाते तो मैं कर सकता हूँ। अभी इंसानियत की बात नहीं हो रही, एक उनके देखो कितनी माशियत खराब हुई है तुर्की वालों की, ठीक है, उनका इतना नुकसान हुआ, अगर वो रिपेयरिंग पे भी आए तो उनको कई महीने लग सकते हैं, तो पाकिस्तान का खुद का बेड़ा करके वो क्या किसी की हेल्प करेंगे? तो क्या हमारे हुक्मरानों को नहीं ऐसा चाहिए कि लोगों की हेल्प करें? कैसे पाकिस्तान के पास है क्या? ये मैं से तो कर्जा ले लेके तो इन लोगों ने अपनी बिल्डिंगें बना ली है, जदादें बना ली है, इंडिया में बनाई हुई है, दुबई में बनाई है, सऊदीया में बनाई है, पाकिस्तान में, यहाँ तक कि उन लोगों के इतने इतने बड़े बड़े कारखाने हैं, बट फिर भी उनकी हेल्प नहीं कर रहे। पाकिस्तान के पास अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, अभी आप IMF की बात कर रहे हैं, तो सेकंड टाइम कर्जा, अभी सेकंड टाइम भी बहुत दफा मांग लिया, फिर से मांग रहे हैं, उनका कहना यही है हम कर्जा नहीं देंगे। पाकिस्तान का ये हाल है, पाकिस्तान की जो हुकूमत है उस पर किसी को एतबार नहीं है, तो क्या किसी की हेल्प करें? गजब बेइज्जती है। ऐसा कुछ हसानिया पाकिस्तान के साथ आने वाले टाइम में नेचुरल डिजास्टर पेश आता है तो आपको क्या लगता है टर्की तो निकल आएगा इसमें से किसी ना किसी तरह, तो क्या हमें निकालने में कोई मुल्क हमारी मदद करेगा? मैंने आपको जैसे बताया जिस तरह हम अब हमका देना, मुझे नहीं उम्मीद कि आगे कोई हमारी से हेल्प करेगा। इट फॉर टैटू, यही सेम सिनेरियो हमारे साथ अपनाएंगे, और हम तो इतने अच्छे हैं कि भी नहीं गए इस सिचुएशन से निकल सकते। इंडियन आर्मी जो है वहाँ पहुँच के उन्होंने पूरे टर्की के लोगों के दिल जीते, 70 दिनों बाद वहाँ से जिंदा लोगों को निकाला, इतना कि वो लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम कंट्रीज वाले लोग हमारे बहन भाई नहीं बल्कि हिंदुस्तान वाले हमारे बहन भाई हैं। जलवा है हमारा। इस हद तक उन्होंने दिलजोई की है, उनकी फाइनेंशियली जो है मॉरली हर तरह से सपोर्ट किया है, तो मुझे बताएं कि हम बहुत सारे क्राइसिस से निकल के बाहर भी आ जाते हैं, बहुत कंट्रीज हमें एड भी देती है, लेकिन अब हम फ्यूचर कहाँ देखेंगे? IMF ने भी अब तो इनकार कर दिया, ज्यादा दूर नहीं है, मतलब अनकरीब वैसे हालात बहुत बुरे होने लगे हैं, और अब जो चल रहा है इससे बुरा क्या होगा? अभी ज्यादा बुरा होगा क्योंकि हमारे जो काम है ना, हम खुद भी नहीं ठीक, हमारी गवर्नमेंट तो है ही है, हम खुद इतने बुरे हैं कि अब वो हमें फेस करना पड़ेगा जो कुछ हम जिस लेवल पे हम जा रहे हैं, अगर हमने खुद को ठीक ना किया तो हम अभी फेस करेंगे जो कुछ हमने करना है, हमारे हल्के तो किस किस्म के लोग हैं आप, किस किस्म की सोच है आप लोग? सबसे पहले घबराना नहीं। आर यू एक्सपेक्टिंग कर्मा मकाफाते अमल? और हम अपने ही मुल्क में कभी किसी को जला रहे होते हैं, कभी मस्जिद पे हमला हो रहा होता है, कभी एक फिरका दूसरे फिरके से लड़ रहा होता है, हमारी इंसानियत तो ये रह गई है। इंडिया कह लें अब वो मॉरली हेल्प करने की है,
या कह लें कि वो उन फाइनेंशियली भी किया है, लेकिन मेरे हिसाब से उनमें उनकी कह लें कि तेज दिमागी है, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया हेल्प के थ्रू भी। सर हम हमेशा यही कह देते हैं कि उनका तेज दिमाग, हम वो तेज दिमाग क्यों नहीं रखते, चलो तेज दिमाग मान लिया कि तेज दिमाग उनमें, वो तेज दिमाग ही चलो हम दिखा लेंगे, हमारे पास दिमाग ही नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि हम प्रोड्यूसर नहीं है, हम लकीर के फकीर हैं, जो हमें मिल गया हम कर लिए, इम्यूनिटी हमारे अंदर बची नहीं, एक्सट्रीमिज्म हमारे अंदर बहुत ज्यादा, जिस वजह से हम उनसे तो पीछे हैं, एटलीस्ट उनके अंदर इम्यूनिटी तो है। खाने न चाहने से क्या होता है, इंडिया पहले पाकिस्तान की बड़ी मान रहा था, अब जो पाकिस्तान की मान के तो तुर्की की हेल्प नहीं की, ड्रामे है सारे, मतलब थोड़ा वायरल होने के लिए उन्होंने बोल दिया हम हेल्प करें, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, पाकिस्तान तो इसलिए नहीं बोल रहा कि हम हेल्प करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इंडिया वालों के पास तो है, उनके पास क्या नहीं है, इंडिया वालों ने 4.7 बिलियन डॉलर्स की उन लोगों को वेट भी तो प्रोवाइड किया, तो ये तो अच्छी बात है ना। तो अभी आप कह रही थी उन लोगों ने हेल्प नहीं करनी, जो बस सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं लोगों के अंदर, बस अवेयरनेस लेके आ रहे हैं कि हमने हेल्प की है, हेल्प करनी है, ऐसा कुछ। हाँ तो अगर की है तो किसके लिए किया, खुद के लिए किया ना, कल को इनको तुर्की के साथ काम पड़ेगा तो जाहिर बात है तुर्की इनकी हेल्प करेगा, करेगा ना, पाकिस्तान की तो कोई नहीं करता, आ जाके पाकिस्तान ना किसी की करता ना कोई पाकिस्तान की करता, मतलब कि हमें चाहिए नहीं कि हम एक दूसरे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऐसा ताल्लुक बेहतर करें जिससे हम लोग आगे स्ट्रगल करके लोगों के अवेयरनेस लेके और अपनी मुल्क को अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सके। जिस पाकिस्तान में आटे की वजह से लोग भूखे मर रहे हैं उसे किस चीज़ की उम्मीद। बाय बाय टाटा गुड बाय। तो ये किसकी नाहली की वजह से है, हुकूमत की नाहली, आवाम की, आवाम की किस तरह नाहली है, वो सपोर्ट करने भाग जाती हैं, देखते नहीं है कि कौन सा हुक्मरान ज्यादा बेस्ट है। आप किस हुक्मरान को सपोर्ट करते हैं? मैं किसी को नहीं करती, मैं सच के साथ हूं। तो सच इस टाइम कौन दिखा रहा है आपको? सच कोई भी नहीं दिखा रहा, खान क्या कर रहा, खान वो जमान पार्क में औरतें इकट्ठी करके मजमा लगा के बैठा है। मतलब क्या कहने का मतलब, औरतें इकट्ठी नहीं करनी चाहिए आपको लगता है? आप अपनी बहन को भेजेंगे वहाँ पे? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप भी तो मुझे ये कहें ना कि औरतों को वहाँ नहीं जाना चाहिए, आप मुझे कहने औरतें को पब्लिक ओपिनियन है मैं। जब सारे मुल्क उनकी मदद कर रहे हैं, लाइक अगर मैं बात करूँ तो नॉन मुस्लिम कंट्री लाइक इंडिया की मैं बात करूँ तो वो उनकी हेल्प कर रही है, बट पाकिस्तान डायरेक्टली उसकी हेल्प क्यों नहीं कर रहा? देखिए जी, एक बात ये है कि सबसे पहले जो ये आफत आ रही है ना, ये अल्लाह की तरफ से है, ये हम नहीं कह सकते कि किसी मुल्क ने साजिश की होगी या इस तरह। जब हम लिबास ऐसा पहनेंगे, तुर्की ठीक है इस्लामी मुल्क ज़रूर है, लेकिन आप वहाँ पर लिबास देख लेना, वहाँ सारा अमेरिकन निज़ाम है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? ठीक है, हमारे मुल्क में क्या, हमारे मुल्क में ये है लेकिन किसी हद तक ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये नेक्स्ट टाइम इस तरह होगा कि हमारे इधर जो है ये नस्लें, ये लोग, ये औरतें इस तरह का लिबास पहनेंगी, फुल पहनेंगी, सब कुछ खत्म होता जा रहा है। आप ऐसा देखें ना एक दूसरे को देख के, और हमेशा याद रखें कि जब कोई दूसरा मुल्क करता है ना इस तरह, इस्लाम का एक याद रखें, कोई भी मुल्क जो है ना वो हमायती नहीं हो सकता, वो हमायत अगर करेगा ना तो उसके पीछे कोई लाजमी कोई राज होगा। तो जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि इंडिया एक ताकतवर देश है, इंडिया ने बहुत तरक्की कर ली है और इंडिया के आदमी बिल्कुल सेफ है, इंडिया में है तो सब कुछ है भाई, इंडिया इतना अच्छा है कि हम इंडिया की जितनी भी तारीफ करें उतनी ही कम है भाई। और पाकिस्तान वाले इस पर ये बोल रहे हैं, पाकिस्तानियों को जलन हो रही है कि इंडिया ने इतनी तरक्की कैसे कर ली और क्यों कर ली, इतनी तरक्की हमारी पाकिस्तानियों की क्यों नहीं होती। तो पाकिस्तान जलन में इंडिया की बुराइयां कर रहे हैं, कह रहे हैं इंडिया से कि हमारे कि इंडिया देश जो है दूसरे देशों की हेल्प करता फिरता है भाई, तुर्की की उसने हेल्प की, श्रीलंका की हेल्प की और भी कई देशों की उसने इंडियन हेल्प की, और हमारे हालात सही देखकर, पाकिस्तानियों के रहन सहन बिल्कुल ठीक देखकर तो इंडिया ने पाकिस्तान में भी महंगाई बढ़ा दी और अब कोई हमारी हेल्प भी नहीं कर रहा, ये भाई इंडिया ने जानबूझ कर किया। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिया वाले पाकिस्तान में जाकर महंगाई बढ़ाएंगे, भाई इंडिया वालों को पाकिस्तान से क्या मतलब भाई। और ये जो बोल रहे हैं पाकिस्तान वाले, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ये जलन में बोल रहे हैं, जल रहे हैं हमारी तरक्की देखकर। तो सिंपल सी बात है भाई, मदद करो और मदद करा लो। तो भाई ऐसे ही पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान खुद की तो मदद कराने के लायक है नहीं, वो क्या किसी की मदद करेगा अभी, कोई उन्हीं की कोई मदद कर दे। तो भाई आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।